अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 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 ठीक हैं। और मैंने ये जो एरिया है जो खाली था, जहाँ मैं कहती थी मैंने बच्चों के टॉयज़ वगैरह सेट करने हैं मिशारी के मेनली, तो वो मैंने सेट कर लिया है, लेकिन अभी मैंने वो रिवील नहीं करना। मिशारी वहाँ पे खेल रहा है, मैं एक दफ़ा ज़रा टॉय साइड पे करके। अच्छा जाओ लैपटॉप ऑन करो बेटा, 12:10 पे है मीटिंग। हमारा वाला लैपटॉप लो ना, हमारे बेडरूम में ऑन करो उसको, मैं उधर आती हूँ। हमी की आज पीटीएम है, तो पीटीएम हो गई है मेरी और टीचर की मीटिंग हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ। पोजीशन मुझे पता ही नहीं है इसकी क्या है। यहाँ पे जो है ना रिजल्ट्स इस तरह से पब्लिक नहीं किए जाते जैसे इसके सऊदी स्कूल में थे, तो वहाँ पे पता होता था क्या पोजीशन आई है, ऑफिशियली अनाउंस होती थी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस वजह से तिहामी को बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं पता और इसी वजह से मैं भी मतलब वीडियो में उसके मार्क्स क्या कहते हैं और उसके ग्रेड्स जो हैं वो डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि ये चीज़ जब टीचर ने प्राइवेट रखी हुई है तो इतने सारी माशाल्लाह टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, इसके फ्रेंड्स भी हैं जो वीडियोज़ देखते हैं। सो आई थिंक उस जो स्कूल का एक कल्चर है उसको मेंटेन करके रखा जाए, अदरवाइज़ मैं तो एक्साइटेड होती हूँ आपसे शेयर करने के लिए। आपको पता है मैं हर बार शेयर करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा स्कूल का प्रोसीजर ही कुछ ऐसा है तो मुझे भी ज़रा खामोश रहना पड़ेगा। और ये ऐसा बच्चा है कि ये छुप छुप के ना मेरी मीटिंग सुन रहा होता है टीचर्स के साथ, चुप चुप के, इन द सेंस कि ये भी बैठा होता है कि बस सामने नहीं आता स्क्रीन के, लेकिन उसी रूम में बैठा होता है ताकि ये भी सुन सके कि टीचर ने क्या फीडबैक दिया है, फिर उसके अकॉर्डिंगली। एक चीज जो टीचर सारी बताती हैं इसकी कि ये अपने फ्रेंड्स को देख के एक्साइटेड हो जाता है। तो क्या करते हो आप लोग एक्साइटेड होके? बातें करना शुरू कर देते, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। अब नहीं करनी ना टीचर को, तंग नहीं करनी। मैं वैसे क्लासेस में नहीं करता, अच्छे होते हैं ना करते हैं। गुड, बिल्कुल भी तंग नहीं करना टीचर को। अपने अपने एक करके कुछ सीक्रेट बता रहे होते हैं किस तरह करो वैसे करो, तो अपनी बातें बता रहे होते हैं। दोपहर 1 बजे का टाइम और ये ऊपर रॉकेट जा रहा है। आजकल बहुत रॉकेट्स नजर आ रहे हैं, आई वंडर ये कहाँ से कहाँ जा रहे होते हैं, नहीं पता। और हाँ जी, और कैमरा में पता नज़र आया नहीं, वो जा रही हैं शिप्स, 2 ships जा रही हैं उधर, वो मेन वाला सी है और यहाँ पे तो ये लगून है ना। और कुछ लोग पूछते हैं कि ये वाला जो सर्कल है ना ये क्या है, तो ये जो है ना ये आइलैंड सा बना हुआ है एक और इसका नाम है लगून, लेकिन ये जो है ना आई थिंक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसके ऊपर लोग जाके बैठ सकें, बारबेक्यू वगैरह कर सकें। इसके ऊपर मैंने कभी किसी को गए हुए नहीं देखा, तो आई थिंक ये वीक सा है, तो जस्ट एक ये वाटर बॉडी के अंदर एक जो है वो लैंड का पीस लगा हुआ है नेचुरली, तो उसको उन्होंने उसी तरह मेंटेन करके उसके अराउंड में सारी रेजिडेंशियल एरियाज बना दिए हैं। तो बाकी ये है कि और कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको वैसे रियल आई से देखें ना, ये सीन बहुत ब्यूटीफुल है। वो सारा सी नज़र आ रहा है और वो ऊपर स्काई में रॉकेट नज़र आ रहा है। हाँ मेरा आइडिया ये है कि ये सिरे भी जा सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रांग बिल्कुल है, ये वीक नहीं है, क्योंकि अगर वीक होता ना ये बिल्कुल ऐसे करके होता है, इसका ऐसे करके है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इसका एक और प्रॉब्लम होगा कि यहाँ डेडली एनिमल्स होंगे, स्नेक्स के। नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा, ये जस्ट एक पीस ऑफ लैंड है और इसमें कोई ट्री की छुपने वाली जगह भी नहीं है कि जो स्नेक्स वगैरह भी होते हैं उन्होंने भी सन से तो सबने बचना होता है। ये देखें जी, ये कारपोर का सामान आ गया। वाओ तिहामी, थैंक यू। तिहामी मुझे इतनी हंसी पता नहीं क्यों आ रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हो गया फिनिश? फिनिश गुड, थैंक यू। आपको लबन चाहिए थी ना? हमी की विश ऐसे पूरी होती है, हमें कहते हैं मम्मा ना कोई मिल्क है ना लबन है, मैं कहता बस ऑर्डर किया वह आ रही है और साथ ही बैल हुई है और साथ ही आ गई है। अब आ गया है वो टाइम जिसमें मैं आपको दिखाऊं कि मैंने बच्चों का ये एरिया कैसे सेट किया और मैं बहुत खुश हूँ इससे, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगता है कि ये एरिया बहुत प्यारा सेट हो गया है। थोड़ी सी चेंजेस हेयर एंड देयर अभी भी मेरा करने का दिल चाह रहा है, बट आई थिंक बच्चों के लिए ये परफेक्ट है। बच्चे यहाँ पे बैठ के आराम से खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ऑलरेडी तिहामी और मिशारी बहुत खुश हैं और स्पेशली तिहामी मुझे कह रहा है कि मामा ये जो है ना हैंग आउट करने के लिए मेरे और तिहामी
मामी के लिए, मिशारी के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो चले जी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी हमारा एरिया बच्चों के लिए जो मैंने सेट किया है, और मैं आपको यहाँ से स्टार्ट से दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये इतना प्यारा लग रहा है, मैं इससे इतनी इस सेटिंग से सेटिस्फाइड हूँ। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मैं अपनी कंप्यूटर टेबल यहाँ पे ले आई हूँ, क्यों ले आई हूँ उसके बारे में बाद में बात करते हैं। और ये मेरी सारी जो रेसिपी कलेक्शन है, ये सारी भी मैंने फाइनली अपने बिल्कुल अच्छे एक्सेस में रख ली है। और ये मेरी टेबल है, इस पर यह सारा मेरा ही सेटअप है पड़ा हुआ, और ये मेरा लैपटॉप, और बस यहाँ पर तो ये मैंने जो मेरा ट्री है ये मैं इधर ले आई हूँ, यहाँ पर बेस्ट सूट कर रहा है, रात में बहुत अच्छा लगता है इधर लगा हुआ। अच्छा जी अब उसके बाद आते हैं, तो ये स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ये तिहामी के पुराने टॉयज हैं जिनसे अब मिशी खेलता है, और उसके अलावा ये तंबोला वगैरह और ब्रेनी गार्डन, ये भी हम बच्चों के साथ बैठ के खेलते हैं। ये वो गेम है जैसे कार्ड गेम्स और एक्टिविटी गेम्स होती है ना उनका IQ इम्प्रूव करने के लिए, ये वो टाइप की गेम्स हैं। तो वो फिर मैंने ऊपर रखी हुई है क्योंकि कार्ड्स वगैरह बच्चे फिर मिशारी जो छोटा है तो वो खराब कर देते हैं। उसके अलावा ये स्टफ टॉयज हैं तिहामी के बचपन से लेके अब तक स्टफ टॉयज इतने इकट्ठे नहीं। हमारी शादी हुई थी ना तो उस वक्त शहजाद ने मुझे ये कैट ला के दी थी, वैसे ही हम लोगों को एक दिन मुझे ला दी थी, तो ये बहुत प्यारी कैट है और ये तब से मेरे पास है। उसके अलावा ये बाकी सारा कुछ बीच में कभी कुछ लिया कभी कुछ लिया। ये बार्नी जो है ये तिहामी जब 2 ईयर्स का था और तब पहली दफ़ा यहाँ सऊदी अरब आया था अपने बाबा के पास, तो उसके बाबा ने उसको ये लेके दिया था। तिहामी को बार्नी का बहुत शौक था, और उसके अलावा ये पैंडा भी तिहामी ने लिया था, इसको अच्छा लगता था। अच्छा जी ये जो ब्लू वाला एलिफेंट है ना, ये तिहामी ये है 10.5 साल पुराना, क्योंकि तिहामी की बर्थ पे हमने उसको ये लेके दिया था, एक ये वाला और एक ये नीचे जो ये जो मूज है ये वाला भी, और पीछे एक जिराफ है, वो आपको इसका ये फेस नजर आ जाएगा बस, तो ये भी हमने उसी टाइम पे लिया था। सो ये वो सारी चीज़ें हैं। मिशारी को जो है ना वो हमने बस ये रैबिट लेके दिया है, और साथ में शॉन द शीप लेके दी थी, और एक मिशारी को हमने ये लेके दिया, ये पपिट है बेसिकली, इसमें हाथ डाल के तो आप इसको पपिट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन ड्रैगन है ये भी एक पपिट है, ये भी हमने मिशी को लेके दिया, और ये डॉल्फिन। तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो तिहामी के हैं। उसके बाद सेकेंड उसमें आते हैं यहाँ पे सारी ग्लास डिको ब्लो पेन लूडो वगैरह, और ये भी तंबोला है, ये हम बहुत शौक से खेलते हैं। ये खैर रिमोट्स हैं और ये कार्ड्स हैं, और ये भी इनके थोड़े से पजल्स हैं। तिहामी को पजल्स का इतना शौक नहीं होता था जितना मिशारी को होता था, तो ये सारी उसकी पजल एक्टिविटीज़ हैं और ये मैंने उसकी यहाँ पर रखी हैं। उसके अलावा उसके कुछ कार्ड्स, पुलिस लेगो, छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं, गन वगैरह, ये भी मैंने यहाँ पर रख दी हैं कि जब और कुछ खेलने का दिल ना चाहे तो इनमें से देख के चूज़ कर लें। जो चीज़ें मैं चाहती थी ना कि मिशारी के एक्सेस में ना हो वो मैंने ऊपर रखती हैं, और जो उसके एक्सेस में होनी चाहिए वो नीचे रखती हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो एक ये ट्रक है और एक ये डॉक्टर सेट है, और उसके अलावा ये हल्क पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये अभी खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और ये थोड़े से स्टफ टॉयज हैं जो मिशी के एक्सेस में होने चाहिए। अब फिर यहाँ पे क्या है, ये भी खाली है अभी। इस तरफ आते हैं तो ये जो है ना कंस्ट्रक्शन सेट्स हैं, इसमें कुछ तो डोमिनोज हैं, डोमिनोज जो है वो हम लोग ये डोमिनोज हम लोग बहुत खेलते हैं, और साथ में ये पाइप्स वगैरह जो है ना ये तिहामी के बचपन के हैं, और ये मैंने संभाल के रखे हुए हैं, तो मिशारी के अब एज और बहुत शौक से खेलता है तो ये मैंने यहाँ रख दिए हैं। उसके अलावा आते हैं इसमें, और इसमें मिशारी के कॉस्ट्यूम्स और बैग्स वगैरह। यहाँ पे ये है फायरमैन का ब्लॉक सेट, और ये भी तिहामी का था, और अब ये मिशारी को ट्रांसफ़र हो चुका है। इसमें कुछ बाइनोक्यूलर्स और स्प्रिंग और ग्लासेस वगैरह मिशी के बेसिक बेसिक सी चीज़ें रखती हैं। उसके अलावा जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे है जी ये कार सारी, ये मेटल डाईकास्ट कार्स होती हैं, ये तिहामी को बहुत शौक था और उसने कलेक्ट की हुई हैं, और अब जो है बारी आ गई है तिहामी के बाद मिशी भी खेले इनको। यहाँ पे पॉपिट वगैरह पड़े हुए हैं, वो बॉलिंग के लिए जो पिन्स वगैरह होती हैं वो पड़ी हुई हैं, और पॉपिट पड़े हुए हैं, बेसिक बेसिक से जो चीज़ें हैं ना खेलने की इसमें वो रखी हुई हैं। ये जो है ना इसमें सारे कैरेक्टर्स हैं अदर देन एवेंजर्स, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे कोई बर्ड्स हैं, चाहे कोई बेबी है, कोई भी है ना, तो वो इसमें पड़े हुए हैं। और ये जो साथ वाला है इसमें सारे मिशी का फूड स्टफ वाला पड़ा हुआ किचन सेट, क्योंकि मिशी को मुझे देख देख के किचन सेट्स का बहुत शौक होता है किचन में काम करने का, तो वो उसने काफ़ी कलेक्ट किए हुए हैं। और ये साथ में सारे इसके एवेंजर्स, और साथ बहुत ज़्यादा एवेंजर्स हैं इसके पास, ये पूरा ट्रक है, और ये काफ़ी बड़ी स्टोरेज है इसकी ना, तो यहाँ पे सारे बड़े बड़े एवेंजर्स हैं, और यहाँ पे इसकी शील्ड्स वगैरह थी जो कि इसी में चली गई आई थिंक, तो यहाँ पे इसने कार्ड्स रख दिए हैं।
उसके अलावा यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं मेन अदर देन एवेंजर्स, लेकिन वो भी फेमस मूवी के कैरेक्टर्स हैं, तो वो मैंने यहाँ रख दिए क्योंकि ये भी डेली बेसिस पे मशीन से खेलता है। तो इसमें एक तो ये प्रिंसेस आना है, क्वीन एल्सा मशीन ने तोड़ दी हुई है और प्रिंसेस आना अभी भी यहाँ पड़ी हुई है लवारसो की तरह। बाय द वे ये मेरी डॉल है, ओके। किसी ने ये नहीं सोचना कि ये मिशी की है क्योंकि मिशी इज़ अ बॉय, वो खुद बताता है मैं बॉय आई एम नॉट अ गर्ल, लेकिन वो भी जिन टॉयज़ को उसे शौक है लेकिन उसको ये है कि गर्ल्स वाले हैं तो वो मुझे ले देता है। सो ये मेरा टॉय है, ओके। किसी ने भी हंसना नहीं है, ओके। जी नेक्स्ट जो है ये किचन सेट है, ये भी मिशी को हमने लेके दिया था क्योंकि मिशी को बहुत शौक है। और ये देखें इस तरह ये चल जाता है, चूल्हे जल जाते हैं और यहाँ पे अंदर माइक्रोवेव का ढक्कन लगा हुआ था और चीज़ें अंदर रख के तो यहाँ से बटन ऑन हो जाता होता था। तो लेकिन वो जब शिफ्टिंग हुई है तो उन्होंने इसका जो लिड थी वही तोड़ दिया है, तो बस उसके बाद ही ऐसे है, लेकिन खेल लेता है मिशी इसके ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे। तो ये मिशी के बर्थडे पे हमने इसको दिया था और ये सारा जो है ना, ये क्या सेट है, ये है पार्किंग लॉट है जी पीजे मास्क की, और इसमें भी वही कार सारी यूज़ हो जाती हैं जो मिशी ऑलरेडी जो यूज़ कर रहा है। ये जो है शॉपिंग कार्ट है मिशारी की, ये उसका स्कूटी है और ये जो है ना कि बहुत मज़े की चीज़ है ये मिशारी होते हैं। हम ही जब इस पर खेलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मिशारी के फर्स्ट बर्थडे पे जब हम लोग हायल से रियाद गए थे तो वहाँ पर हमने इसको ये लेके दिया था। कहाँ से लेके दिया था तय? हेमलीज़, हाँ हेमलीज़ पे, वहाँ पे रियाद में ये मिल रहा था, बहुत प्यारा था ये। तो ये ना इसके ऊपर बच्चे यूँ स्टेप करते हैं, जंप करते हैं ना, तो ये बटन्स जो हैं वो चलते हैं। म्यूज़िक भी है इसके अंदर, पियानो वगैरह सारा तरह तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर प्ले होते हैं। और ये इसकी बैटरी वाला सेक्शन है, तो इसको ऑन कर देते हैं तो ये चलता है। वॉल्यूम भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो भाई बंद ही नहीं हो रहा? अच्छा ओके, सारा खाना जल गया, ओके। उसके बाद इधर आते हैं तो ये है जी मेरा टेबल और यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा प्रिंटर और साथ में लैपटॉप और वो एक्सटेंशंस वगैरह। और अब चार्जिंग इजी होगी मेरे लिए फ़ोन की और कैमरा वगैरह की। और ये मेरी जो है ना पड़ी हुई है जी ये गिरने लगी थी ये दोनों की दोनों मेरी पड़ी हुई, इनको भी मैंने इंशाल्लाह यहाँ पे लगा लेना है। मैं कहते हम ही क्या कर रहे हैं, मैं एंशिएंट हीरो सोच रहा हूँ सिंस मैंने जो है वो एग्जाम दिया एसएसटी के अंदर एंशिएंट हीरो के बाद, तो मैं इसकी एनसाइक्लोपीडिया में भी देखूंगा। अच्छा दिखाओ कौन सी बुक है, एनसाइक्लोपीडिया है ये तो हमें की मोस्ट फेवरेट है बुक। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लेके दी हुई है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, पढ़ने वाला ही नहीं है। हाँ इतना कुछ तो है, आपको शौक नहीं है? हाँ मुझे याद है अबू ने हमें इतनी सारी अभी भी बल्कि घर में पड़ी हुई है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक्स जो है ना एवरी ईयर अबू हमें लेके देते थे, इतनी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। तो हम ही को लेके दी हुई है लेकिन वो पढ़ते ही नहीं, अपने अपने शौक की बातों से। रीडिंग अच्छी लगती है लेकिन गिनीज बुक में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये फाइनली खुल गई है लेकिन, लेकिन मंडे को आके लॉक चेंज कर देगा ना। अच्छा अच्छा, ये जुगाड़ू सीन किया उसने कोई? नहीं नहीं, दूसरा लॉक लगाया उसने। अच्छा तो ये अच्छा नहीं है, क्यों चेंज करेगा? प्रॉपर ये लगा देगा ना, ये देखने में अजीब से हाँ, अच्छा नहीं लगता। हाँ। ये एक इसका ओरिजिनल है ना। अच्छा अच्छा, तो वो ला के लगा देगा। हाँ जी ये अच्छा, दैट्स इट, ये ना देखो देसी इस तरह से। हाँ। वो तो सिर्फ बंद करना, दैट्स इट। ठीक ठीक ठीक, इतनी अच्छी हवाएं चल रही है, वेदर इतना प्यारा है। चले बाहर निकलते हैं। ये सारे दिन से लिफ्ट करा नहीं रहे थे, गायब हुए हुए थे। चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट देखिए। नहीं नहीं, मैंने चीफ गेस्ट कहा है, ये चीफ है, चीफ। देखा जी चीफ, चीफ गेस्ट नहीं। आज शराब सुबह से काम करा रहे थे और मैंने मीटिंग जरा अटेंड करनी थी। नॉर्मली मैं और शराब दोनों बैठ के मीटिंग इकट्ठे अटेंड करते हैं, मजा भी आता है और जरा अच्छा रहता है, बच्चे की प्रोग्रेस मिलके सुनते हैं। तो लेकिन अब आज इन्होंने मुझे नहीं लिफ्ट कराई। अच्छा, क्योंकि मुझे कोई और लिफ्ट करा रहा था, दो बंदे आए थे। फाइनली हमारी खिड़कियाँ जो है वो हो गई है सही। हाँ जी, विंडोज वो टूटा हुआ ग्लास रिप्लेस हो गया है, फ्लाई नट्स चेंज हो गए हैं, तेहामी की विंडो ठीक हो गई लॉक। हाँ। अब सिर्फ वो इस लॉक को रिप्लेस कर लेगा, अभी टेम्प्रेरी लॉक लगाया उसने। हाँ।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में स्टार्टिंग मंडे तक हो सकता है वो हो जाएगा सही। असल में क्या है कि हम लोग किसी एजेंसी के अंदर तो हमने ये अपार्टमेंट लिया नहीं है, सिंगल ओनर है और उसे लिया है, तो ओनर बहुत अच्छा है, काम वो सारे करा के दे रहा है, लेकिन यह है कि वो कह रहा है कि थोड़ा सा रुक जाओ, तो हमें यहाँ पे आए हुए एक महीना पूरा हो गया, सेकंड मंथ है, तो वो काम स्लो होता है। जैसे ये वाला जो ग्लास, वो उस विंडो का जो ग्लास है क्रैक था, तो वो जर्मनी से एक ग्लास मतलब पूरा आया है, तो कहता है कि अगर लोकली या क्या क्या कह रहे थे ज्यादा नहीं, हाँ लोकली वो वाला नहीं मिलता और क्वांटिटी ज्यादा जो हो ना फिर जल्दी हो जाता है। एक ग्लास के लिए ऑर्डर दिया, यहाँ पर जो लोकल कंपनी है जमील अली में है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया, फिर वो जर्मनी से आया, उनका जो है फिर एटलीस्ट 2-3 वीक्स लगते हैं। अच्छा एक और चीज थी शिदाद, आप मुझे कह रहे थे कि वो जो हैंडल्स हैं वो नए ले लेंगे, मैंने ना अपनी कैबिनेट्स के हैंडल्स जो है ना वो उनको अनस्क्रू किया और उनको मैंने वॉश करने के लिए डाला स्प्रे वगैरह करके, तो मैंने देखा है कि वो बहुत शाइनी है, वैसे वो मैट लगते हैं और मैंने अच्छे से जितने मैक्सिमम साफ हो सकते कर दिए, लेकिन जब अब उनको मैं वॉश किया है तो वो शाइनी सर्फेस निकल रही है, लेकिन फ्रंट से तो वो धुल जाते हैं, बैक साइड पर इतनी ग्रीस है और इतना पता नहीं क्या लेयर लगी हुई है, तो शिदाद बोल रहे थे कि मैं नए ला दूंगा तो नए लगा लेंगे, लेकिन शिदाद वो ये जिस तरह हर चीज यहाँ पे वो फॉरेन क्वालिटी की लगी हुई है ना, तो उसी तरह वो है हैंडल्स, मुझे वो हैंडल्स इतने पसंद है, इतने स्ट्रॉन्ग है वो, कोई इतने स्टडी है, आप ये देखें 13 ईयर्स पुरानी बिल्डिंग है, उतना टाइम हमारी शादी को नहीं हुआ जितनी पुरानी बिल्डिंग है, तो उसके बावजूद जो है वो आप देखें हाँ नहीं हम डिटीरियोरेट होना शुरू हो गए, लेकिन ये लेकिन बिल्डिंग डिटेरियोरेट नहीं हो रही तो शादी का हैंडल्स के साथ क्या ताल्लुक है, समझा नहीं मैं नहीं मतलब इतने इयर्स, मैं इयर्स को कंपेयर कर रही हूं, हैंडल है हम हैंडल से भी गुजरे हैं यानी क्योंकि हमारी मेंटेनेंस होने वाली हो गई है लेकिन इनकी नहीं, इतनी अच्छी है वो हैंडल्स कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि कोई और हैंडल लिए जाए, मैं डर डर के उनको साफ करूं। उनकी मेंटेनेंस कैसे की है आपने? नहीं की ना, भिगो के रखे मैं किसमें, पानी में, तो हमें भिगो के रखने की जरूरत है हमने बहुत भिगो के देखा है, लेकिन एज के साथ से तब रिप्लेस होने वाले हम एक नए शराब और नए नशीन की जरूरत है, शायद जितने साल जो है शादी हो उतने साल फिर अपने आप को भिगो के रखो तो चले हमारी चीपनेस तो खत्म नहीं होगी, हम लोग जरा मॉल जा रहे हैं, मिशारी की जो है ना वो हुडीज वगैरह सारी छोटी हैं पिछले सीजन की जो मैंने निकाल के देखी हैं, उसकी भी लेनी है और तिहामी की भी लेनी है, जाना किधर है? और प्लीज मुझे थोड़ी सी फुल स्लीव शर्ट्स टी शर्ट्स ले देना, ये है वो जो मुझे कुछ लेके नहीं देते। फुल स्लीव टी शर्ट्स आपको लेनी है? हाँ जी। तो आप तो बोल रहे थे आपने पहननी नहीं है। मैंने कब कहा है, मुझे सर्दी लगती है सुबह, मैंने हाफ स्लीव टी शर्ट लेती हूँ ना मैं, तो मुझे बहुत ठंड लगती है। कि नहीं मुझे अपनी हुडी पहननी है, मुझे सॉक्स पहननी है, मुझे चाहिए नहीं फुल स्लीव टी शर्ट जो है। सॉक्स तो मैंने हर पहनी है। गर्मी भी इतनी ज्यादा लगती है? नहीं हाँ, ये किसी और की बात करे, मेरा कोई और है ही नहीं है जो हाँ फुल स्लीव टी शर्ट पहनता हूँ, मैं नहीं पहनता हूँ फुल स्लीव जो है, तो फिर यू आर माई बेटर हाफ इसलिए। अच्छा एक मजे का, इससे किसी और से मुझे याद आया, एक बहुत ही मजे का कमेंट आया था, हर दूसरा बंदे की ना यूट्यूब पे जी उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की होती है, ऑल्दो ऑब्वियसली रियल ही होगा लेकिन ये ट्रेंड ही बन गया कि हस्बैंड ने दूसरी शादी करनी है, तो शरद मुझे कुछ दिन पहले एक कॉमेंट आया हुआ था, आप लोग अभी तक सही से जा रहे हैं, पहले ही बता दें कि शरद भाई ने भी दूसरी करनी है, कर चुके हुए हैं या नहीं करनी है, हमें आप पहले ही बता दें क्योंकि हम इस फेक ड्रामा से तंग आ गए हैं तो नहीं शराब ने कोई नहीं, नहीं ये ट्रेंड जो है ये गुड़िया को मैंने बताया था, आई थिंक इट वाज इन 2014 वे बैक ना, जब सिल्वाना हबीब की जॉब को मैंने ज्वाइन करना था, तो मैं वीजा चेंज कराने के लिए पाकिस्तान गया था, तो उस वक्त जो है ना मैंने जो एक चीज एक ट्रेंड देखी थी उस वक्त पाकिस्तान में चल रहा था, मेरे काफी दोस्त या उनके भी आगे कजिन्स वगैरह, मैं हैरान हूँ, फिर मैंने वाइफ से डिस्कस किया, मैंने की यार इतना बुरा जमाना आ गया है या इतना खराब ट्रेंड चल रहा है इस वक्त जो है कि हर दूसरा बंदा ऑनेस्टली जो है 2014 की बात करो ना, इट्स 2021 वो भी खत्म हो रहा है, उस वक्त जो है दो दो शादियों का रिवाज स्टार्ट हो गया था उस ट्रेंड, और ये वो नहीं है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चार जायजा तो इसने करा, नहीं एक ट्रेंड है और बस ये दिल चाह रहा है दूसरी शादी कर ली है, ये वो तो है ही नहीं ना, हुकूक पूरे हो रहे हैं ना किसी रीजन पे शादी हो रही है, पहली कोई पूरा कर ले आओ जो कोई ना, तो इस्लाम में भी तो यही हुक्म है ना, वो तो चले हाँ शुभ से कह रहे हैं मेरे आपने पोल खोल दिया, लेकिन नहीं, नहीं, मतलब पहली कोई जो है उसके हुकूम उसके राइट्स दे दो जो है आप उसको पुश कर लो तो फिर सही हो जाएगा ना हाँ वही ना, तो लेकिन ये कि याद हो ना कि लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करते हुए दूसरी शादी की है, कोई रीजन है तो शादी की है, लेकिन नहीं एक ट्रेंड बन गया है, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, और कई तो यूट्यूब पे ऐसे हैं जिन्होंने शादियां की भी नहीं है अभी दूसरी, लेकिन हर दूसरे दिन यही टॉपिक चलता है कि मैं शादी कर रहा हूँ, दूसरी कभी बीवी कह रही है कि लगता है ये दूसरी शादी कर लेंगे, यही चल रहा है कि शायद ये नहीं सुना अभी तक जो है कि बीवी कह रही है मैं दूसरी शादी करने लगी,
हाँ वही ना, क्योंकि इस्लाम में हमें तो जायज नहीं है, तो हम एक ही करके, तो हमने बस जी बर्दाश्त करना। अजीब कॉन्सेप्ट है मेरा तो, अरे की अपनी पर्सनल लाइफ है। हमने जाना जाहिया, जाहिया जाना है, पहले अपने आप भिगो के रखे नहीं, मैं अपनी मेंटेनेंस करती रहती हूँ, मैं मुंह में क्रीम में मलती रहती हूँ, हाथों में पाँव में मलती रहती हूँ, भिगोने के बराबर ही हो गया ना। मैं बस अपने आप को जो है ना, मैं बेकिंग सोडा में और वो साथ में क्या है, ग्रीस क्लीनर में नहीं डाल सकती भिगो के, तो मैं अपना करती रहती हूँ। देख रहे हैं ऐसे क्या के जो है क्योंकि ग्रीस उतरने वाली। शाबाश, ठीक है बच्चों। नहीं मेरे हस्बैंड लाखों में एक है, बिल्कुल जबरदस्त, करोड़ों में नहीं हूँ लेकिन मैं है, अरबों खरबों में एक है, अरबों खरबों में एक है। नहीं नहीं, जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं कोई इस तरह की, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर हैप्पीली मैरिड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर वेरी हैप्पी। तो हमें किसी को ना जताने की जरूरत है ना दिखाने की जरूरत है, सीधी सी बात है, वी आर व्हाट वी आर। और ड्रामा तो हमारे नॉच व्लॉग्स पे होता ही नहीं है ना, तो बस ड्रामा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वे बैक भी आप चले जाओगे डे वन से लेके अभी तक, जो है आप देखोगे कि हमारे ब्लॉग्स वही है यार, हमारी चीख हरकतें वैसे की वैसे ही है, लेकिन मतलब कंट्रोवर्सी नहीं है, शुगर हमारा वही सेम है, वही सेम है, इस हमें बनाने की जरूरत नहीं है। और पता यही वजह है, एक तो हम दिखाते नहीं है फैमिली, मतलब रिश्तेदार नहीं दिखाते, और दूसरी बात यह कि हम अपनी जात से रिलेटेड भी कोई भी गॉसिप क्रिएट नहीं करते। रियलिटी यह है कि मैं और शहजाद भी लड़ पड़ते हैं घर में, लड़ाई हो जाती है, लेकिन हमने कभी उस चीज का बतंगड़ ना तो बनाया है, ना हमने चैनल पे दिखाया। और पता है यही वजह है कि हमारे जो है ना उस तरह से धड़ाधड़ चैनल के व्यूज और सब्सक्राइबर्स, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपके तो 1 मिलियन होने चाहिए, 2 मिलियन होने चाहिए, तो भाई 1 मिलियन तो हो जाए, 500,000 हो जाए, नॉच व्लॉग्स पर 2 लाख जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट थिंग इज गॉसिप को छोड़े ना यार, हमारी लाइफ में इटसेल्फ, हमारे अपने में इतनी हैपनिंग्स हो रही होती हैं। हाँ, और गॉसिप की हमारी जिंदगी में भी जगह नहीं है, वी डोंट हैव टाइम फॉर सच क्रैप एक्चुअली, इसलिए तो हमारा अपना ही इतना कुछ हो रहा था, भाग दौड़, ये ड्यूटी वो काम, ये इधर जाना है, ये चीज, आपस में हमने आउटिंग करनी, और जो इतना कुछ होता है, दूसरे की लेग पुलिंग करनी है, हंसना, एंजॉय करना, उसके बाद फिर मजे की बात, फिर इतना कुछ होने के बाद जब हम आपको बताते हैं आज हमने मूवी का प्लान बनाया, हमने ये किया वो किया, मूवी लगती है, हेडफोन्स लगाए हैं, गुड़िया जाग रही मैं वैसे ही बस ऐसे आंख लगी थी, सोई नहीं हूं मैं, मैंने कहा ओके, फिर 2 मिनट के बाद मूवी लगी, गुड़िया अच्छा आप सो जाओ, सॉरी शहजाद मैं आपके साथ कभी मूवी नहीं देख सकती, आई एम सो सॉरी, लेकिन आई होप इंशाल्लाह कल से ऑनवर्ड्स मैं स्टार्ट करूंगी आपके साथ मूवी देखने। मैं चलो ठीक है, ओके, सो जाती हूं। और दूसरे दिन आपको जब पता चलता है वो खबर ही होती, बड़ी अच्छी मूवी थी, बहुत जबरदस्त मूवी थी, क्योंकि मैं बताया होता गुड़िया होता है क्या जो है मेरे राज, तो यही खोलेंगे ना, मैं खुद थोड़ी आपको बताऊंगी मैं ऐसे करती हूँ। तो क्या है ना, रखे हुए तो नेक्स्ट टाइम आपको ये बताया कि मूवी नाइट है, तो आप समझ जाना खुद ही, ओके चलो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, बहुत हो गई है, चलते हैं। Maybe the trees will whisper the word.